पंजाब हुकूमत और बल्दिया उस्मा के दरमियान इख्तियारात की जंग में शिद्दत आ गई। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स के तरक्याती मंसूबे सियासत की नज़र हो गए। सीवरेज, मेन होल कवर, स्ट्रीट लाइट्स और सड़क कारपेंटी का अमल रुक गया। बल्दियाती नुमाइंदों का इस हवाले से क्या रद्द अमल सामने आया है, बात करते हैं इस पर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान, बताइएगा क्या रद्द अमल सामने आया है बल्दियाती नुमाइंदों का? हाउस की मंजूरी के बाद ही लॉर्ड मेयर कर्नल टाइम मुबशर जवेद ने महकमा बल्दियात को समरी अरसाल की थी कि 274 यूनियन काउंसिल और 45 डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स की स्कीमें जो हैं उनको मंजूर करके फौरी तौर पर इनकी टेंडर करने की इजाजत दी जाए, जबकि तमाम तर इतराजात दूर करने के बाद भी स्कीमों को मंजूर नहीं किया गया। स्ट्रीट लाइट्स और तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ न होने पर बल्दियाती नुमाइंदों को तशवीश का इजहार किया है, जबकि गली मोहल्लों के सीवरेज, मेन होल कवर, स्ट्रीट लाइट, पीसीसी और कारपेट का काम भी बंद हो गया। लॉर्ड मेयर कर्नल टाइट मोशर जवेद का यह कहना है कि जब से नई हुकूमत आई है तब से तरक्याती स्कीमों पर कोई पेशरफ नहीं हो रही, जबकि सेक्टरी बल्दियात से मामला हल कराने के लिए बात भी करूंगा। इस वाले से उनका यह कहना था कि शहर के मुंतब 319 बल्दियाती नुमाइंदों का इस्तकाब जो है वो मजरूह किया जा रहा है। तरक्याती स्कीमों के मजरू मजवजा फंड मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन अपने वसाइल से हट कर दिए, जबकि दो माह से चीफ इंजीनियर महकमा बल्दियात के तमाम इतराजात भी दूर कर दिए गए, लेकिन तहाल कोई जवाब नहीं मिला। इस वाले से तरक्याती स्कीमों की मंजूरी के इंतजार के बजाय जल्द अदालत का रुख करेंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान मलिक आपका।